सवाल आया खुद रो, क्या आजकल दोबारा से बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम की कप्तानी से हटाने का मामला चल रहा है, उसके मैं कॉन्सिक्वेंसेस जब जोड़ रहा हूँ, जब कनेक्शन बनता है ना हर चीज का, कि शाहिद आफरीदी ने कहा बाबर मैच फिनिश नहीं करते, उसके बाद इमाम उल हक ने उनकी बात को सेकंड किया कि बाबर खुद भी ये जानते हैं कमोबेश यही बात है मफहूम वाइज कि वो जब विकेट पे खड़ा होता है तो अपोजिशन डर नहीं रही होती। तो मैं हमेशा से यही बात तो करता हूं कि वर्ल्ड क्लास आप सोशल मीडिया पर नहीं बनते, कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं बनाते वर्ल्ड क्लास। वर्ल्ड क्लास वो होता है कि भाई वो रन्स कर रहा हो नहीं कर रहा हो, लेकिन टीमों को ये पता हो ये आउट नहीं हुआ, अगर ये आउट नहीं हुआ तो हम गए। तो किसी को कप्तान बनाने की साजिश की जा रही है सिर्फ हटाने के लिए? यार देखें, बाबर आजम ये जब से नई रिजीम आई थी तो ये बात तो जबान जदे आम थी कि ये लोग कप्तान चेंज करना चाहते हैं कम से कम एक दो फॉर्मेट्स में, ठीक है। तो बाबर आजम की जगह पहले इन्होंने शान मसूद को जो है ना वो मार्केट में लेकर आई है, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि शान मसूद को पहले कंटिन्यूअस बेसिस पर पाकिस्तान की टीम में जगह बनानी चाहिए। अगर आपका आंसर शान मसूद है तो मैं इस बात के साथ नहीं हूं। मुझे बाबर के माइंडसेट से, बाबर के जो है वो कहना चाहिए कि जो वो अपने लिए सेल्फिश बैटिंग से इख्तलाफ हो सकता है, बट अगर कप्तान आप शान मसूद को बनाएंगे रातों रात बाबर की जगह, तो मैं इस बात को कभी भी बैक नहीं करूंगा। आप रिकॉर्ड पर रख लें, मैं बाद में भी यही कहूंगा, रिजल्ट्स वगैरह मैटर नहीं करते, आप देखते हैं कि आप दूर कहां जाएंगे, आपका एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, ये मैटर। शाहिन शाह आफरीदी अगर फिट है तो डेफिनेटली ये बात तो लास्ट ईयर से तय हुई हुई है कि शाहिन शाह आफरीदी कैप्टनसी मटेरियल है और उन्हें कप्तानी भी आती है और वो जो अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस देते हैं, इसी तरह शादाब खान भी जो अपने लड़के को जो कॉन्फिडेंस, देखें बड़ा बैट्समैन होना, कौम को ये समझना होगा बड़ा बैट्समैन होना एक अलहदा बात है, कप्तान इज समथिंग वेरी डिफरेंट, जो अपने लड़के को ये बिलीव देता है कि जो तुम करते हो वही करो। मैं याद दिला दूं, महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 का इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप जोगिंदर शर्मा से जीत लिया था और गले में हाथ डाल के जब मिसबॉल अपने फुल टॉस पे उन्हें लॉन्ग ऑन पर लॉन्ग ऑफ पर छक्का मारा, उन्होंने गले में हाथ डालकर सिर्फ एक बात बोली, रिलैक्स रहो, जो तुम डोमेस्टिक में करते हो सेम वही करो, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लो। का मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये फोकस भी तो उनका आउट लग रहा है, क्योंकि अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे तो उन्होंने कहा कि फोकस हमारा जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप पे, असल में बाबर दिखा रहे हैं, बाबर को ये सब मालूम है, तो बाबर थोड़ा सा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं कि वो पहले से दुनिया को पब्लिक को अपने साथ मिलाने के लिए ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि मेरा सारा फोकस वर्ल्ड कप पर है, वर्ल्ड कप पर है, ताकि वो ये बताना चाह रहे हैं कि सब अच्छा है, कप्तान तो मैं ही चाल कह रहे हैं, चाल नहीं, क्रिकेटर की चाल नहीं होती, क्रिकेटर की बैटिंग होती है, क्रिकेटर की बॉलिंग होती है, वर्ल्ड क्लास शॉट्स होते हैं, कवर ड्राइव होती है, कल कवर ड्राइव लग सकती थी लेकिन आमिर गलती कर।